नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव है और बीजेपी पूरा दमखम लगा रखी है। रायपुर में बीजेपी का किसान सम्मेलन हुआ जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, रायपुर में किसान महाकुंभ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने पहुंचे। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार सोलर लाइट की व्यवस्था कर रही है, सूर्य से बिजली बनाई जाएगी, 300 यूनिट तक की बिजली किसानों के लिए फ्री कर देंगे। उन्होंने कहा कि खेती का बजट 2014 से पहले 25,000 करोड़ रुपए था, अब मोदी जी ने खाते का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। किसानों की परेशानी हम लोग किसी भी सूरत में, आप भरोसा रखकर जाइए, समय लग सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने किसान भाइयों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। यह राजनाथ सिंह की गारंटी नहीं है बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मेरे दाने भाइयों, यह भरोसा लेके आप सब जाना। 2014 के पहले यह कांग्रेस की सरकार थी, केवल 25,000 करोड़ का बजट लगती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने इस बजट को बढ़ाकर 5 गुना 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। मेरे बहन भाइयों, आपके लिए किया है, 300 यूनिट तक की बिजली आपके लिए फ्री कर दी जाएगी। मेरे किसान भाइयों, 300 यूनिट की बिजली फ्री कर दी जाएगी। किसान सम्मेलन में बोलते हुए प्रदेश मुखिया विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। देश की आजादी 75 साल हो गए, इन्हें ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन किसान मन पर कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं सोची। हमर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तरह तरह के चिंता हुई। लोकसभा चुनाव का रण है, विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो हर वर्ग को साधने की कोशिश में है। चुनाव से पहले एक बार फिर चुनाव के केंद्र में किसान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू बीजेपी में शामिल हो गए। चुन्नीलाल ने अपना इस्तीफा पीसीसी चीफ दीपक बैच को भेज दिया। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। चुन्नीलाल साहू अकलतरा से 2013 में विधायक चुने गए थे। इससे पहले विधानसभा चुनाव हार के बाद चुन्नीलाल साहू ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वहीं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर समेत कई नेताओं ने भी साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की सदस्यता ली। 12-15 लोगों ने ज्वाइन किए हैं, पूर्व विधायक भी है उसमें और प्रदेश अध्यक्ष वगैरह जो बीजेपी के अलग अलग जो ये रहते हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इधर शाम होते होते कांग्रेस को एक और झटका लगा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने पार्टी छोड़ दी और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो महासमुंद से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जिससे वो नाराज थे। इधर जब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते प्रत्याशी बनाया जाता है, FIR से नाम गायब हो जाता है। अब इससे समझ जाइए कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा वो वॉशिंग मशीन से वो क्लीन हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा ये तो जनता के वोट और रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
भूपेश बघेल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का टिकट राजनांदगांव से दिया, जबकि उनका गृह जिला दुर्ग है। इनके राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि बघेल डर गए हैं, इसलिए वो दुर्ग से मैदान छोड़ चुके हैं और राजनांदगांव गए हैं। देखिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से पार्टी ने टिकट दिया है, जिसको लेकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बघेल डर गए हैं, इसीलिए दुर्ग छोड़कर राजनांदगांव चले गए। राजनांदगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे? दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे? डर गए? क्या हुआ है? राजनांदगांव वाले क्यों स्वीकार करेंगे? इस बार कितनी सीट? अभी मुश्किल ये है कि सिर्फ 11 सीटें। इधर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी तो हमारे 6 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और पहली लिस्ट देखकर बीजेपी डर गई है। बीजेपी के भीतर सत्ता विरोधी लहर का डर सता रहा है। भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन लोकसभा में जीत का परचम लहराएंगे। दुर्ग में हमारा मजबूत प्रत्याशी है, रायपुर में हमारा मजबूत प्रत्याशी है, राजनांदगांव भी मजबूत प्रत्याशी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का बयान अगर देखेंगे आप, उनका मायने निकालेंगे, मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि हमारा जो 6 कैंडिडेट हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया है, उनके देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अब दोनों ही दलों में बयानों के तीखे बाढ़ चलने शुरू हो चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में डर की सियासत की एंट्री हुई है। अब कौन डरा है और कौन जीतेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रदेश की महिलाओं को बेहतरी वंदन योजना की पहली किस्त कल मिल जाएगी और पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल जोड़कर महिलाओं के खाते में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे। 146 ब्लॉक मुख्यालयों में यह कार्यक्रम होगा। बेहतरी वंदन योजना को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस बारे में जानकारी भी दी है। जन घोषणा जो हमारा संकल्प पत्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि माताओं बहनों को 1,000 रुपये महीना अर्थात साल का 12,000 रुपया मुहैया कराया जाएगा और उसी के अनुरूप हमारी सरकार के अभी 100 दिन भी पूरे तरह से पूरे नहीं हुए हैं और ये महत्वपूर्ण वादा को भी हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा किया है। महासमुंद में किसानों के द्वारा किया जा रहा चक्काजाम अभी भी जारी है। अघोषित बिजली और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर किए जा रहे इस जाम के कारण नेशनल हाईवे 353 पर जाम लगा हुआ है। ये भी बता दें कि किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन को बढ़ता हुआ देख प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगातार किसानों को मनाने का प्रयास जारी है। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्राओं से छेड़खानी के मामले में एक्शन लिया गया है। बता दें, छेड़खानी करने वाला शिक्षक जो है वो भी निलंबित कर दिया गया है। बच्चियों ने अश्लील हरकत करने का आरोप इस पर लगाया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया था। डीईओ ने टीम गठित की और मामले की जांच कराई। अब टीचर पर गाज गिरी है, निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई के लिए लिखा गया है और जिसमें कमलेश साहू के ऊपर कार्रवाई तो हो गई, साथ ही साथ जो प्रधान पाठक है उसने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया, क्योंकि उसको कुछ जानकारियां थी फिर भी उसने छिपाया रखा था। और ठीक इसी प्रकार से एक लेडीज शिक्षिका है, उनको भी छात्राओं के द्वारा बताया जाता था, लेकिन फिर भी उसने भी किसी को कोई जानकारी नहीं दी। कवर्धा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है और ये वीडियो भी इसका सामने आया। सड़क पार करते समय मासूम को बोलेरो ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद बोलेरो का ड्राइवर फरार हो गया। यह हादसा भोरमदेव के राजा नवा गांव के पास हुआ। मौके पर मासूम की मौत, कवर्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं।
सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरह से बोलेरो वाहन ने बच्चे को रौंद दिया, घटनास्थल पर मौत हो गई। ये तस्वीर कवर्धा की। तेज रफ्तार बोलेरो आती है, बच्चे को रौंद देती है, दौड़ती हुई महिला बच्चे के पीछे जाती है और बता दें इस दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत हो जाती है। और अब बात कवर्धा की, जहां 7 साल की मासूम की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। जानकारी के अनुसार मासूम का हत्यारा खुद एक नाबालिग लड़का ही निकला। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि लड़का मासूम के चढ़ाने से नाराज था और इसी नाराजगी में उसने मासूम की जान ले ली। खबर सूरजपुर से है, जहां ज्वेलरी की दुकान से लाखों रुपए के गहने पार हो गए। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। वहां वारदात की जानकारी जो है लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं सूरजपुर की ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना घटित हुई। फिलहाल मामले में संज्ञान लिया गया है, जांच पड़ताल जारी है। ये सूरजपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा जो घटनाक्रम है, चोरी की वारदात है, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। ज्वेलरी की दुकान में दरअसल ये चोरी हुई और 10 लाख के गहने इस पूरी चोरी में पार कर लिए गए। दुर्ग का जिक्र करते हैं, जहां जल संकट गहरा चुका है। शाम को और सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। बताया जा रहा है कि पावर स्टेशन में गड़बड़ी आ गई है और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। नगर निगम भिलाई के अंतर्गत आने वाले वार्डों में आज शाम और कल सुबह पानी नहीं आएगा। दरअसल पावर प्लांट में जो है वो खराबी आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है, इस वजह से पावर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में 66 और 77 MLD फिल्टर प्लांट नहीं भर पाएंगे। 66 और 77 MLD फिल्टर प्लांट के नहीं भरने के कारण कई वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इससे रिसाली और भिलाई नगर निगम के वार्ड प्रभावित होंगे। नगर निगम ने यह दावा किया है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन हमेशा ये दावे खोखले ही साबित होते रहते हैं, क्योंकि नगर निगम के पास में कोई इतने बड़े संसाधन नहीं है कि हजारों लोगों की प्यास बुझाई जा सके। तो देखने वाली बात यह होगी कि निगम के दावे में कितनी सच्चाई है। फिलहाल लोगों को ही जागरूक रहना पड़ेगा ताकि उन्हें पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। News 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां नगर निगम की हालत खराब है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने के पैसे नहीं है। वेतन नहीं मिल पाने से निगम के कर्मचारी परेशान हैं। तो वहीं नगर निगम अपने सालाना कर की वसूली के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे। वाकई में जो कर है और किराया है वो हम लोग का 9 करोड़ का है, उसमें अभी हम लोग 64% की वसूली कर चुके हैं और मैक्सिमम हमारे करदाता मार्च महीने में उसे कंप्लीट करते हैं। निगम के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। होली का त्यौहार है और हमारे कर्मचारी 3 महीने से अपना वेतन नहीं पाए हैं और आयुक्त महोदय का यह फरमान कि जब तक 80% वसूली नहीं हो जाएगी हम वेतन नहीं देंगे, इसको मैं उचित नहीं मानता। ये शुद्ध रूप से हमारे सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास है। अंबिकापुर के राम भक्तों को दर्शन कराकर आस्था स्पेशल ट्रेन लौट चुकी है। अयोध्या से लौटे लोगों का उत्साह देखने ही बढ़ रहा था। रामलला के दर्शन करने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। तस्वीर आपको दिखाते हैं अंबिकापुर की, जहां पर अयोध्या से दर्शन कर करके ये सभी लौटे और खुशी इनके चेहरों पर। अंबिकापुर से अयोध्या गई थी सरकार के माध्यम से और उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत स्वागत किया और हमने बहुत एंजॉय किया। प्रेम से बोला जय श्री राम। इतनी खुशी की अनुभूति हो रही है जिसका बयान नहीं किया जा सकता और निसंदेह अयोध्या जो एक बार जाएगा उसको वापस आने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसा अद्भुत दृश्य भगवान रामलला का बना हुआ है कि मैं चाहूँगा कि भारत का हर व्यक्ति और हर नागरिक एक बार रामलला का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करे।
राम भक्त जागे हैं और देश में जो सोया अभिमान था वो फिर से जाग उठा है। और इस बार मोदी सरकार फिर से 400 पार के भाव से ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, निश्चित रूप से गांव में एक वातावरण। गरियाबंद का जिक्र करते हैं, जंगल में भीषण आग लगी, मलगांव